مدعوني ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بربهم من كل أمر سلام حي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है या जो मेरे इस बयान का अनुमान है वो है लैलतुल कद्र। माह रमज़ान अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया और माह रमज़ान की बहुत ही ज़्यादा बरकत खुसूसन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तो माह रमज़ान का आखिरी इशरा बड़ा बाबरकत और रहमतों वाला है। इसमें अल्लाह ताला ने एक रात ऐसी बनाई है जिसको अल्लाह ताला ने शबे कदर का नाम दिया है, लैलतुल कद्र का नाम दिया है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने इस रात को लैलतुल कद्र में बनाया। तो सामईन मुकर्रम, लैलतुल कद्र वो रात है, लैलतुल कद्र हज़ार महीनों से ज़्यादा अफजल है। अगर मैं इस बात का अंदाज़ा लगाता चलूँ कि एक हज़ार महीने कितने बनते हैं, तो वो एक इंसान की ज़िंदगी के 83 बरस और 4 महीने बनते हैं। कितने बनते हैं जी? 83 साल और 4 महीने बनते हैं। अल्लाह ताला ने ये रात, इस रात की इतनी बड़ी अहमियत और फजीलत रखी है कि अल्लाह ताला ने हमें शबे कदर, लैलतुल कदर जैसी एक अजीम रात अता फरमाई है। इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद को पहले जो सबसे पहली आयत थी वो तो इस्मे रब्बिकल लज़ी खलक थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये रात सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और जिसमें एक हज़ार महीनों की इबादत का इंसान को अजर दिया जाता है, लैलतुल कद्र हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। तो लैलतुल कद्र के बहुत ही अल्लाह ताला ने इंसानों को लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे बयान किए गए हैं। तो पिछली उम्मतें जो थी उनको इतनी इबादत करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है उम्मत मुहम्मदिया को। तो हमें चाहिए कि लैलतुल कद्र की इस रात हमने तलाश करनी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुसूसन इस माह मुबारक के आखिरी 10 अय्याम का एतकाफ़ किया करते थे। और एतकाफ़ का बेसिक मकसद क्या है? एतकाफ़ का जो बेसिक मकसद है या पर्पस है, उसका मकसद है कि हमने इस रात को तलाश करना है, हमने इस लैलतुल कद्र की रात को तलाश करना है, ऐसी रात जो एक हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल बनाई गई है, उसकी अल्लाह ताला के नज़दीक इतनी अहमियत और फजीलत है। तो माह रमज़ान की ये जो ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन तमाम रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। ये लैलतुल कद्र पहली रात को भी आ सकती है, 21वीं रात को भी आ सकती है, 23वीं रात को भी आ सकती है। ये 5 रातें ऐसी हैं जिनमें हमने लैलतुल कद्र को तलाश करना है। तो हमने लैलतुल कद्र को तलाश करना है, तो उससे आगे बात करता चलूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले तो इस तरह का होता था कि 30 दिनों का एहतिकाफ़ किया जाता था। हुजूर ने एक दफ़ा 30 दिनों का एहतिकाफ़ किया,
तो जब एतकाफ किया तो 30 दिनों में लैलतुल कद्र को ढूंढना बहुत मुश्किल था, एक बहुत मरहला, बहुत ज़्यादा मरहलावार मुश्किल था कि लैलतुल कद्र को हम नहीं ढूंढ सकते। तो हुजूर ने अल्लाह ताला की बारगाह में इरशाद फरमाया, या अल्लाह कि मेरी तो मैं तो फिर भी मैंने गुजारी है ये अय्याम, मेरी गुनहगार उम्मत है, मेरी उम्मत गुनहगार उम्मत है, ये किस तरह बता ये 30 दिनों में एतकाफ कर सकती है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने 10 दिनों का एतकाफ कर दिया। तो एक दफ़ा हुजूर एतकाफ किसी वजह से ना कर सके तो अगले साल हुजूर ने 20 दिनों का एतकाफ किया, अगले साल हुजूर ने 20 दिनों का एतकाफ किया। तो आपने उन 20 दिनों में लैलतुल कद्र को तलाश किया, तो लैलतुल कद्र तो आखिरी अशरे में मौजूद है, तो उसमें पाई जाती है। तो मुसलमानों के लिए फिर ये एक आसानी रख दी गई कि आप इन 10 रातों को 10 रातों में क़याम किया। पहले तो हमने इन्हीं 10 जो हमें मिली हैं 10 रातों में ही लैलतुल कद्र को ढूंढना था, लेकिन अल्लाह ताला ने मज़ीद उसी चीज़ को कम कर दिया कि हमें सिर्फ 5 रातें अता की कि इन 5 रातों को क़याम करें और लैलतुल कद्र को तलाश करें। पिछली उम्मतों की जो उम्रें थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, 1000 साल तक की उम्र थी। चूँकि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्रें कम हैं, चाहे 100 साल तक ये सभी कम हैं, लेकिन इनके लिए जो आमाल का अजर दिया गया है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि इन तमाम मामलों को, माह रमज़ान अलविदा अलविदा जा रहा है, तो इसमें जितने भी गुनहगार लोग हैं अपनी अपनी तौबा और इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जितने मैंने कलमात बयान किए हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।